तो अभी फिलहाल का सीन आप सामने देख सकते हो, #1 पे वापिस से एक और हैकर आ चुका है। अब यार इन लोगों को बोलने का कुछ फायदा तो है नहीं, क्योंकि ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं। बाकी जिस चीज़ के लिए मैंने रैंक विश किया था वो चीज़ अपनी मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, तो कुछ ज़्यादा उतना फर्क भी नहीं पड़ता अगर कोई हैकर ऊपर आ भी जाता है। एंड अभी भी ये वाला सीजन एंड होने में 14-15 दिन का टाइम और बचा है, तो आप में से जितने भी लोग अभी एस मास्टर पे, आप लोगों का अभी भी ईजी कॉन्कर लग सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो, वीडियो पूरा एंड तक देखना। अगर आपको लगे मैं डिजर्व करता हूँ तो यार चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, सिर्फ यार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं। तो फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि अपने मेन अकाउंट से मैंने पिछले 4 या 5 दिन से आई गेस एक भी मैच नहीं खेला है, क्योंकि साथ में आपको पता मैं एक और भाई के अकाउंट से रैंक पुश कर रहा था, तो ये वाले अकाउंट से मैं खेल रहा था। एंड आज भी मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे गेम प्लेस पड़े हुए थे, तो आज भी मैंने पूरा दिन ब्रेक लिया। फिलहाल के लिए कल से मैं वापस अपने मेन अकाउंट से खेलना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये वाले अकाउंट में कॉन्करर मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। एंड पॉइंट्स की बात करूं तो 5270 पॉइंट्स के आसपास मेरे को कॉन्करर के लिए लग गए थे। अभी के लिए ये वाले गेम की बात करूँ तो जस्ट अभी मैं जोन के अंदर आता हूँ, ये वाला जोन भी यहाँ पे क्लोज इन होने वाला था। एंड जैसे ये वाला जोन शिफ्ट होता है मैं सोचा अभी जाके डायरेक्ट जोन के सेंटर में ही होल्ड करने का ट्राई करता हूँ। अभी के लिए ये वाला एरिया यहाँ पे जोन के अंदर था, लेकिन रुकने से पहले मैंने सोचा एक बार आसपास अपने अच्छे से चेक कर लेता हूँ कि कहीं पहले से कोई और बंदा लेट ना रखा। उतने में यहाँ पे एक मेरे को ड्रॉप दिखता है, तो ये वाले ड्रॉप से अपने को एक लेवल 3 का हेलमेट भी मिल जाता है। अभी के लिए ये वाली जगह मेरे को सेफ लगी, यहीं पे आके मैं रुक जाता हूँ। लेकिन अपने सामने साइड पर जो एक कंपाउंड था वहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा था, उतने में लेफ्ट साइड में ओपन में 2 बंदों की फाइट होती है। फिलहाल के लिए इसके बाद वाला जोन में बनने का वेट कर रहा था, तभी अपने नीचे वाली साइड से एक मेरे को बग्गी का साउंड आता है। एंड ये बंदा अपने सामने आके कहीं पे रुक गया था, तो यहाँ पे एक मैं नेट करने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे नेट से तो बंदा बच जाता है, लेकिन इसके बाद इस बंदे का मेरे को लेफ्ट साइड में आने का साउंड आता है। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में सामने एक और स्मोक को रखा था, तो लेफ्ट साइड में एक और बंदा था। अभी ये दोनों बंदों की सामने साइड पर फाइट होती है। अब यहाँ पे अपनी बग्गी पे मैं स्मोक वगैरह करके सामने वाली साइड पे रैंडम नेड मोली करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा था ये वाला बंदा सामने स्मोक के आसपास कहीं पे लेट रखा होगा। लेकिन नेड मोली से बंदा फिनिश होता नहीं है, इसके बाद सामने वाली साइड पे बंदा एक और स्मोक कर लेता है। अब यहाँ पे जोन भी क्लोज इन हो रहा था, तो मेरे को लगा था जोन के अंदर आता हुआ तो बंदा मेरे को स्पॉट हो ही जाएगा, लेकिन ये बंदा आई गेस पहले से राइट साइड से जोन के अंदर निकल गया था। एंड लकीली इसके बाद वाला जोन यहाँ पे अपने से ज़्यादा दूर से शिफ्ट होता नहीं है, लेकिन तभी अपने लेफ्ट साइड से नीचे एक मेरे को बंदे का साउंड आता है। ये वाले बंदे को भी यहाँ पे इजी फिनिश कर दिया। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे अपने को छोड़ के टोटल 3 बंदे और अलाइव थे, तभी 2 बंदों की लेफ्ट साइड में कहीं पे ओपन में फाइट हो जाती है। अब एक बंदा लेफ्ट साइड में था और दूसरा बंदा जो था मेरे को पता था कंपाउंड के अंदर वाला है, तो अभी पहले तो यहाँ पे अपनी बग्गी को मैं जल्दी से जोन के अंदर सेफ ले आता हूँ। एंड अभी जो अपने राइट साइड में कंपाउंड वाला बंदा था अपने कंपाउंड के आसपास स्मोक कर रहा था, तो मेरे को लग रहा था शायद यार ये वाले बंदे को अभी जोन के अंदर आना है। एंड उतने में जो लेफ्ट साइड में बंदा था ओपन में वो भी स्मोक कर रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे को दोनों ही बंदों की लोकेशन का आइडिया तो लग रहा था। लेकिन तभी मैं मैप में सही से देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है सामने वाला बंदा अभी भी यहाँ पे जोन के अंदर ही है, तो यहाँ पे रुकने का कोई मतलब बनता नहीं था। वापस अपनी बग्गी के पास मैं थोड़ा सेफ आता हूँ। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं लास्ट वाला जोन बनने का वेट करता हूँ। एंड ये वाला जोन अभी राइट साइड में कंपाउंड वाले बंदे पे शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में दूसरा वाला बंदा था, इस बंदे की लोकेशन का मेरे को सही से कुछ आइडिया लग नहीं रहा था। एंड मेरे को भी जोन में निकलना था, उससे पहले रैंडम मैं सामने वाली साइड पर स्मोक्स कर देता हूँ, ताकि सामने वाला बंदा यहाँ पे बग्गी निकालते टाइम मेरे पे शॉट्स ना ले पाए, क्योंकि अभी मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट कंपाउंड वाले बंदे से जाके फाइट लेनी पड़ेगी। अगर ओपन में रुकूंगा तो फिर पीछे से ये वाला बंदा दिक्कत देगा। जैसे ये वाले बंदे को फिनिश किया तभी सामने वाली साइड से मेरे को लास्ट बंदे का भी साउंड आ जाता है। ये बंदा एकदम ओपन में आके यहाँ पे लेट गया था, इजी ये वाले बंदे को भी फिनिश कर दिया। बाकी ये वाले गेम की मैं बात करूँ तो अच्छा सा अपने को 26 पॉइंट का प्लस मिल गया था।
तो अभी फिलहाल चल लेते हैं आज के अपने सेकंड गेम प्ले पे। तो अभी जस्ट मैं जोन के अंदर आ ही रहा था तभी ये बग्गी वाले बंदे का सामने पेड़ के साथ में एक्सीडेंट हो जाता है एंड ईजी वाले बंदों को यहाँ पे बग्गी से भी गिरा दिया। फिलहाल के लिए डायरेक्ट अभी मैं जोन के अंदर आता हूँ। फिलहाल के लिए मैं जोन बनने का वेट कर रहा था एंड ये वाला जोन लेके लिए इसी एरिया पे बन जाता है। तो अभी पीछे साइड पे एक शैक था, मैं सोचा था जोन कैच पे भी है तो वहीं पे होल्ड करने का ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे आराम से मैं होल्ड कर ही रहा था तभी क्या सीन होता है, लेफ्ट साइड से पीछे कहीं से कोई बंदा तो अपनी बग्गी का टायर फोड़ना स्टार्ट कर देता है। अब इससे पहले वो वाला बंदा बाकी के टायर फोड़ता है, यहाँ पे अपनी बग्गी उठाता हूँ, बग्गी अपनी मैं चेंज करता हूँ, अभी डायरेक्ट मैं जोन के सेंटर वाली साइड को निकलता हूँ। फिलहाल के लिए इसके बाद वाला जोन एकदम ओपन टाइप का जोन बन जाता है। फिलहाल के लिए ये वाले जोन के अंदर कोई भी यहाँ पे कंपाउंड था नहीं। तभी के लिए ऐसे ही मैं जोन के अंदर बग्गी घुमा ही रहा था तभी नीचे वाली साइड पे एक बंदा मेरे को ओपन में खड़ा हुआ स्पॉट होता है। अब ये वाले बंदे को तो इजी फिनिश कर दिया, लेकिन जिस हिसाब से ये बंदा ऐसे पेड़ के कवर में खड़ रखा था मैं समझ गया था शायद इसके पास कोई और बंदा भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले अपने काफ़ी ज़्यादा क्लोज पीछे साइड पर एक ड्रॉप भी था तो मैं सोचता हूँ पहले थोड़ा स्मोक वगैरह करके ये वाला ड्रॉप लूटने का ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे मैं जैसे ड्रॉप लूटने के लिए आता हूँ पीछे वाली साइड से कोई बंदा तो यार अपनी बग्गी को यहाँ पे डैमेज कर देता है एंड अपनी बग्गी का एक पीछे साइड वाला टायर फोड़ देता है। लेकिन अब यार यहाँ पे एकदम मैं ओपन में फंस गया था, अपने आसपास कहीं पे जाके मैं गाड़ी लेने का ट्राई कर नहीं सकता था। तो अभी के लिए मैं सोचा वापस से बग्गी अपनी जैसे जैसे वाले पत्थर पर सेफ लगाता हूँ, क्योंकि अपने राइट साइड में तो वैसे भी हल्का सा रिस्क था तो राइट साइड से उतनी दिक्कत नहीं होने वाली थी। मेन अपने को खतरा था यहाँ पर लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड में आके मैं बग्गी लगा देता हूँ। अब ये वाले बंदे को मैंने पहले डैमेज दिया था, उसके बाद सामने साइड पे मैं दो मोली करता, बंदा मेरे को लगा था इजी मोली से फिनिश हो जाएगा, लेकिन यार बंदा भाई मोली के अंदर लेट के भाई आराम से हील कर रहा था जैसे जैसे सामने वाले बंदे को जाके फिनिश किया। लेकिन उतने में लेफ्ट साइड से पीछे कहीं से कोई बंदा अपने को अच्छा खासा डैमेज कर देता है जैसे जैसे पहले उसमें यहाँ पे मैं जोन के अंदर आता हूँ। अब यहाँ पे अच्छी बात ये थी इसके बाद वाला जोन अपने से ज़्यादा दूर शिफ्ट हुआ नहीं था, लेकिन मेरे को पता था राइट साइड से जिस बंदे ने पहले अपनी बग्गी का टायर फोड़ा था वो बंदे को भी जोन के अंदर आना है, तो मैं सोचा थोड़ी देर यहीं पर वेट करता हूँ। तो राइट साइड वाले बंदे को तो यहाँ पे इजी फिनिश कर दिया। फिलहाल के लिए मैं इसके बाद वाला जोन बनने का वेट कर रहा था एंड ये वाला जोन अभी सामने वाली साइड को शिफ्ट होता है एंड अभी यहाँ पे अपने को छोड़ के सिर्फ दो बंदे और लाइव थे। इसमें से एक बंदा तो अपने लेफ्ट साइड में कहीं पे डासिया लेके रुक गया था, लेकिन अभी लेफ्ट साइड वाला बंदा अपना डासिया निकालता है मैं समझ जाता हूँ ये बंदे की अभी दूसरे बंदे से मे भी फाइट हो सकती है, तो यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी करने का ट्राई करूँगा। लेकिन यहाँ पर फाइट होती नहीं है, डासिया वाला बंदा यहाँ पर अपनी गाड़ी से दूसरे बंदे को उड़ा देता है। अब ये बंदा सामने पेड़ के पीछे आ गया था, मेरे को लगा था मे बी ये वाले बंदे ने मेरे को स्पॉट नहीं किया तो एक मैं नेड करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन तभी सामने साइड से देखता हूँ ये वाला बंदा अपनी साइड को मॉली कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सेफ मैं पीछे वाली साइड पे आता हूँ। एंड इसके बाद ये बंदा क्या करता है, सामने मेरा व्यू ब्लॉक करने के लिए सामने साइड पर स्मोक कर देता है, तो मेरे को पहले लग रहा था मे बी ये वाला बंदा भी मेरे पे रश करने का ट्राई कर सकता है। अब यहाँ पे हल्का सा मैं राइट साइड में आता हूँ, मेरे को लग रहा था बंदा मे भी सामने वाले पेड़ पे आ ही गया होगा, तो एक मैं पेड़ के पास नेड करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ये वाले नेड से बंदा फिनिश होता नहीं। इसके बाद मेरे को लगा बंदा मे भी अभी पीछे साइड पत्थर पे हो, तो एक पत्थर पे भी मैं नेड ट्राई करता हूँ, लेकिन ये वाले नेड से भी बंदा फिनिश नहीं होता। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कहीं ये वाले बंदे ने अपनी लोकेशन चेंज ना कर ली हो, तो यहाँ पे मैं अपने लेफ्ट साइड में भी देखने का ट्राई कर रहा था कहीं बंदा अपने लेफ्ट साइड में आके लेट ना गया हो।
लेकिन तभी सामने साइड से बंदा फायर कर देता है एंड इजी ये वाले नेट से बंदा फिनिश हो गया। बाकी ये गेम की बात करूँ तो अच्छा खासा अपने को 29 पॉइंट्स का प्लस मिल गया था। तो अभी फिलहाल चल लेते हैं आज के अपने लास्ट गेम प्ले पे। तो ये वाले गेम में अपने पास BRDM था एंड आज काफ़ी दिनों बाद BRDM वाला गेम प्ले आ रहा है, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस गेम में। तो अभी यहाँ पे क्या सीन होता है ना, मैं जस्ट जोन के अंदर आ ही रहा था, तभी लेफ्ट साइड में स्नाइपर टावर वाला बंदा एक मेरे BRDM को डैमेज दे देता है। अब यहाँ पे वो बंदा भी जोन के बाहर था, तो मैं क्या करता हूँ इस बंदे की बग्गी का पहले तो यहाँ पे टायर फोड़ देता हूँ, क्योंकि ये वाले बंदे ने यहाँ पे अपने BRDM को फालतू में डैमेज कर दिया था, तो यहाँ पे बदला लेना तो बनता ही था। एंड बंदे ने भी सामने साइड पे स्मोक कर लिए थे, मेरे को पता था बंदा जोन के लिए निकलने वाला है, लेकिन बंदे की बग्गी ऑलरेडी यहाँ पे डैमेज थी। तो ये वाले बंदे तो यहाँ पे एकदम इजी बग्गी से गिरा दिया। फिलहाल अभी के लिए यहाँ पे मैं जोन के अंदर आता हूँ, मैं ये वाला जोन बनने का वेट कर ही रहा था एंड लकीली जोन अपने ऊपर ही बन जाता है। तो अभी अपने राइट साइड में शेक में एक बग्गी वाला बंदा आके रुक जाता है, तो पहले मैं सोच रहा था वुडन शेक में रुक के ये वाले बंदे पे नेड वेट करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऊपर में रुकना भी सेफ नहीं था, तो मैंने सोचा एक बार बंदे के क्लोज जाके चेक करता हूँ ये वाला बंदा अपने ऊपर फायर लेता है या नहीं। अब ये बंदा यहाँ पे मेरे को पता था बाहर आके TPP लेने का ट्राई करेगा, बंदे ने शायद से एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं बाहर आके इसको फिनिश कर दूंगा। तो अभी ले वाला शेक यहाँ पे सेफ जोन के अंदर था, तो यहीं पे आके अपने BRDM में आराम से लगा देता हूँ। उतने में पीछे साइड से मेरे को एक और बग्गी का साउंड आता है, एंड यार ये वाले बंदे की किस्मत यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब थी। लेकिन ये वाला बंदा यहाँ पे एक रोज़ा चला रहा था, तो यहाँ पे पहले मैंने सोचा थोड़ा स्मोक वगैरह करके ये वाले बंदे की पेटी से लूट करने का ट्राई करता हूँ। तो अभी यहाँ पे स्मोक के अंदर आराम से मैं लूट कर ही रहा था, उतने में क्या सीन होता है अपने सामने साइड पे जो एक वुडन शेक था, अभी वहाँ पे दो बंदों की फाइट हो जाती है। पहले मेरे को लग रहा था शायद से एक ही बंदा, लेकिन तभी सामने साइड पे मेरा ध्यान जाता अभी शेक के पीछे एक और बंदा था, लेकिन ये वाले बंदे को अभी ऊपर वाली साइड से कोई और ही बंदा DP से फिनिश कर देता है। फिलहाल के लिए इसके बाद वाला जोन हल्का सा यहाँ पे अपने शिफ्ट हो गया था, तो अभी यहाँ पे जैसे जोन स्टार्ट होता है पहले तो अपने BRDM को मैं जोन के अंदर लाता हूँ, क्योंकि अभी भी यहाँ पे अपने को छोड़ के 5 बंदे और लाइव हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं जोन बनने का वेट कर रहा था, लेकिन ये वाला जोन अपने से वापस शिफ्ट हो जाता है। अब ये वाला बंदा मेरे को लग रहा था स्मोक के अंदर है, लेकिन जैसे ये बंदा गाड़ी लेके आता है इजी ये वाले बंदे को भी यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे अपने को छोड़ के सिर्फ 2 बंदे अलाइव है। अब यहाँ पे मैं राइट साइड वाले बंदे की बग्गी फोड़ता हूँ, बंदा भी उसके साथ मेरी फिनिश हो जाता है। अब लास्ट वाला बंदा था सामने BRDM वाला, जैसे मैं सामने साइड पे देखता हूँ तो ये वाला बंदा जंप कर रहा था। अब ये बंदा मेरे को पता नहीं था अपना सब्सक्राइबर है या पता नहीं क्यों जंप कर रहा है, तो मैंने सोचा ठीक है इस बंदे से एक बार बात बात करने का ट्राई कर लेता हूँ। लेकिन यार आजकल मैक्सिमम टाइम मेरा क्या सीन रहता है, लास्ट के जोन में अगर कोई भी बंदा मीटअप करने के लिए भी आता है तो यार वहाँ पे मेरा मैक्सिमम माइक ग्लिच रहता है, मेरे को सामने वाले बंदे की साउंड आती नहीं है। एंड यहाँ पे भी यही सीन था, मेरे को सामने वाले बंदे का साउंड तो आ नहीं रहा था, लेकिन ये वाले बंदे ने यहाँ पे अपनी गन वगैरह गिरा दी, तो इतना मैं समझ गया था ये वाला बंदा अपना सब्सक्राइबर ही होगा। अब यहाँ पे सामने वाले बंदे की आवाज़ तो मेरे को आ नहीं रही, तो मैं समझ नहीं पा रहा था भाई करे तो करे क्या। तो लास्ट में यहाँ पे मैं थोड़ा पैन वगैरह जंप करके इसको बताता हूँ कि भाई पैन फाइट करते हैं, एंड वो सामने वाला बंदा समझ जाता है।
एंड यार ये वाला बंदा यहाँ पे काफ़ी बढ़िया खेलता है, बंदा पैन से अपनी पेटी बना देता है। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे हैशटैग टू पे भी अपने को अच्छा खासा 33 पॉइंट्स का प्लस मिल गया था। एंड ये वाई के अकाउंट में तो ऑलरेडी कॉन्कर लग चुका है, तो अब कल से मैं खेलने वाला हूँ अपने मेन अकाउंट से। बाकी आप में से जो लोग अभी भी एस या फिर एस मास्टर पे 100 पॉइंट अगर आप अभी भी डेली प्लस करोगे तब भी आपको एजी कॉन्कर लग जाएगा। तो गेम प्लेस अगर आपको थोड़े से भी अच्छे लगे तो यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर आपको ऐसे ही रैंक और नस्ली कॉन्कर लॉबी के गेम प्लेस देखना पसंद हो तो सिर्फ यार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं। तो अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।